सो फार शिबानु इज डाउन बाई 69%। बहुत सही नंबर है 69, बट चार्ट में अच्छा नहीं लगता है, बाकी तो बहुत बढ़िया है। बट शिबानु स्टिल बुलिश, चार्ट के हिसाब से नहीं, आज मैं फंडामेंटल के हिसाब से बोलने जा रहा हूँ, शिबानु बहुत बुलिश है। नाउ व्हाई शिबानु स्टिल बुलिश, पॉइंट नंबर वन, क्योंकि शिबानु अभी तक अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है। रिसेंट डंप के बाद भी शिबानु इज होल्डिंग इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज बिटवीन 0.00027 एंड 0.00031। तो लास्ट डाउनफॉल के कारण लास्ट 3 या 4 दिन का, 1, 2, 3, 4 डेज का प्राइस ड्रॉप के बाद भी शिबानु इज होल्डिंग इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सो फार। नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हाई शिबानु इज स्टिल बुलिश, जस्ट यू नो रिमेम्बर दिस पार्ट ऑफ दिस चार्ट, पर्टिकुलरली शिबानु का ये पोर्शन याद रखो, क्योंकि आई एम गोना ब्लो योर माइंड विद इन नेक्स्ट 1 मिनट। सो हियर इट इज। रिमेम्बर लास्ट डे मैंने जब बेबी डॉज का ये वीडियो बनाया था, मैंने कुछ बोला था कि बेबी डॉज अगर लेफ्ट हैंड का ये वाला पार्ट देखो तो कौन सा अपना सबसे करीबी टोकन का चार्ट याद आता है। आई डोंट नो कितना लोगों ने सही सोचा है, कितना लोगों ने सही आंसर किया था, बट शिबानु का जो चार्ट दिखाया था, नाउ लुक एट दिस बेबी डॉज का चार्ट, एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट 80-70% डाउनफॉल, एंड जस्ट राइट आफ्टर दिस डाउनफॉल लुक एट दिस बेबी डॉज का, इट्स ऑलमोस्ट अबव 200% गेन विद इन जस्ट 30 डेज। So same ways, not only me, entire market is waiting for this then upward movement. क्योंकि हम लोग ने जितना डाउनफॉल, जितना शेक डाउन होना था वो हमने देख चुके हैं। Now we are waiting for this next big move जो कि बेबी डॉज के साथ हो चुका है, एंड विच इज हाईली लाइकली शिबानु के साथ भी सेम चीज होने वाला है, बिकॉज दोज दिस लेफ्ट साइड ऑफ बेबी डॉज चार्ट एंड शिबानुज रिसेंट सिचुएशन इज टेलिंग मी द same story, it's showing me the same next big move. So now let's discuss ki ye next big move Shibanu pe kaha se aa sakta hai. So before that, this is Dave, welcome back to BitBowl. As always, if you're still watching these videos, it's time to smash up the like button to a new all-time high. Now let's dive into today's main topic, how Shibanu will get that next 200% or 300% upward 5x or 10x movement in coming days. So first, एक छोटा सा न्यूज है, क्रेकन एक्सचेंज पे शिबानु का ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है, विच कैन बी अ बुलिश मूव फॉर शिबानु, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका था, मतलब ये बीच में जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था, बिकॉज दोज आर वेरी स्मॉल, बट क्रेकन इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड वेल डेवलप्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, जहां पे डेली वॉल्यूम, डेली एक्टिव यूजर्स भी बहुत ज्यादा है, एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प शिबा टू ग्रो not a huge but a little. So here is the biggest news, you can say the main news, कि शिबानु कैसे वो next big move achieve कर पाएगा. So here is the news, as Microsoft company prepares its newest acquisition. तो शिबानु का किसी spokesperson ने ये mention किया है, Microsoft ने. इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, acquisition का मतलब होता है, शायद आप लोगों को पता है, but still from my side, from my end, to make it much more, you know, easy or clear for all of you guys to understand, acquisition का मतलब है आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो इन टर्म्स ऑफ फुल्ली, और किसी कंपनी का जो शेयर होता है वो शेयर का ह्यूज एक परसेंटेज खरीद रहे हो, लाइक 70%, 80% टू गेट दैट कंपनी अंडर योर कंट्रोल, अंडर योर कमांड, दैट इज व्हाट एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर. तो मुझे ये वाला न्यूज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा कि माइक्रोसॉफ्ट का यह एक्विजिशन वाला अनाउंसमेंट शिबानु को क्यों और कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो शिबानु को खरीद नहीं रहा है. अगर माइक्रोसॉफ्ट को कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड स्वॉप और डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग कुछ भी खरीदना है, देन माइक्रोसॉफ्ट हैव द बिगर प्लेटफॉर्म लाइक सैंडबॉक्स, लाइक माना, लाइक एक्सी इन्फिनिटी, एंड फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म दे हैव पैनकेक स्वॉप, यूनिस्वॉप, इन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बट व्हाई शिबानु?
नाउ ऐसे बोल सकते हो दिस इज अ पजल जो कि मैं थोड़ा सा डीप जब मैंने रिसर्च किया उसके बाद पता चला. सो हियर इज द न्यूज. लास्ट डे मतलब 24 आवर्स भी अभी तक नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना हिस्ट्री का बिगेस्ट परचेज, बिगेस्ट एक्विजिशन अनाउंसमेंट किया है, विच इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी एक्टिविशन. सो एक्टिविशन के बारे में अगर किसी को पता नहीं है, मैं दो गेम का नाम बोलूंगा. कॉल ऑफ ड्यूटी बचपन में मैंने बहुत खेला है, इवन आप लोगों को भी पता होना चाहिए, एंड और भी बहुत सारे गेमिंग है, एक्सबॉक्स गेमिंग, बहुत कुछ ऐसे गेमिंग है जो कि एक्टिविशन ने आज तक गेमिंग इंडस्ट्री पे राज करके आया है. तो सत्या नारूला ने ये रिसेंटली अनाउंस किया है, दे आर गोइंग टू बाय एक्टिविशन कंपनी, दे आर गोइंग टू रूल, दे आर गोइंग टू कमांड दैट एक्टिविशन कंपनी अंडर माइक्रोसॉफ्ट सुपरविजन. तो ये एक्टिविशन के साथ शिबा का क्या रिलेशन है वो मैं अभी दिखाता हूँ. सो रिसेंटली अक्टूबर या नवंबर पे शिबानु ने जो शिबा गेमिंग, शिबा मेटावर्स का अनाउंस किया था, उस पे शिबानु ने अपना एक्टिवेशन का जो प्रेसिडेंट था, जो लीड डायरेक्टर था, मिस्टर विलियम डेविड वॉल्क. तो शिबानु ने ये विलियम डेविड वॉल्क के साथ कोलैबोरेशन पे आया है कुछ दिन, कुछ महीने पहले, टू बिल्ड देयर ओन प्ले टू अर्न नॉन फंजेबल टोकन गेम, NFT गेमिंग, जिसका डायरेक्टर है तोशी कुशुमा. एंड ये वाला गेम पे जो सब कैरेक्टर्स यूज होने वाला है, विच इज शिबोशिस, मतलब शिबानु इकोसिस्टम में जितना भी NFT लॉन्च होता है वो सब NFTs गेमिंग में यूज होगा. तो इन टोटल अगर सब कुछ कंबाइन करो, ये मुझे सबसे पहले एक सेल द रूमर्स के हिसाब से मुझे लगा था कि शायद ये रूमर्स है, बस अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहता है टू एड द माइक्रोसॉफ्ट द बिग नेम विद शिबानु. बट अगर घुमा के नाक पकड़े तो ऐसे लगता है कहीं ना कहीं से माइक्रोसॉफ्ट अगर एक्टिवेशन को एक्वायर किया, माइक्रोसॉफ्ट अगर एक्टिवेशन को खरीद लिया, देन एक्टिवेशन इज डायरेक्टली कोलैबोरेटेड विद शिबानु इकोसिस्टम. तो अल्टीमेटली वाया थर्ड पार्टी बोलो या फोर्थ पार्टी बोलो, शिबानु के साथ माइक्रोसॉफ्ट का नाम आने वाले टाइम पे जुड़ने वाला है, एंड विच विल बी अल्ट्रा बुलिश फॉर शिबानु ecosystem. So that is the main reason ki why Shibanu is still bullish and why Shibanu can make its next big move in a very short term. But still, chahe kuch bhi news aa jaye, jab tak na Bitcoin, Ethereum, ye sare ke sare apna move upar ki taraf jayega, and usse bhi zyada bade baat, jab tak na investors actively fir se invest karna start karega, tab tak kuch bhi market change nahi kar sakta hai. That is the fact. So I hope this video was helpful for you. If you still watching this video, do not forget to like, subscribe and comment below whatever you think about this video, whatever you think about this next move. And saath hi saath, don't forget to share this video with your friends and family. Bahut jaldi milte hain next update ke saath. Till then, take care. Dave signing off.